हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपको पता है, मैं थर्ड क्लास कंप्यूटर सब्जेक्ट से चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ। इसमें पहले मैंने स्टोरेज डिवाइस से एक वीडियो बना चुके थे, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम क्या होता है इसके बारे में समझा था। आज हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। यह मेमोरी जो है परमानेंट मेमोरी रहती है। इट इज़ यूज टू स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसका यूज़ हम डिफरेंट प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन टिल वी इरेज इट। यह जो है इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, जब तक कि हम इसको इरेज नहीं कर दें तब तक इसमें इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखा जा सकता है। टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव। ये सभी प्रकार के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जिसमें कि हम डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। द फर्स्ट हार्ड डिस्क वॉज रिलीज्ड बाई IBM इन 1956 विथ कैपेसिटी ऑफ 3.75 MB विथ साइज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। फर्स्ट हार्ड डिस्क जो है सबसे पहले IBM कंपनी ने 1956 में रिलीज किया था, और जिसकी कैपेसिटी थी 3.75। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से सेकेंडरी डिवाइस है। पहला हमने भी पढ़ा था हार्ड डिस्क, इसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा हार्ड डिस्क कहलाता है। दिस इज ए मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच इज फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स। यह मेन स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर का, जिसे CPU बॉक्स में शिफ्ट किया जाता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई, डैट वेरीज फ्रॉम 200 GB टू 3 TB टेराबाइट। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये 200 GB से 3 TB तक डाटा को स्टोर कर सकता है। इट इज़ नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस, या पोर्टेबल डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। यह हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, या CD भी इसको हम बोलते हैं। इट इज़ ए थीन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मेटल। यह पतली प्लास्टिक की कोटेड रहती है मेटल पे। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट डाटा स्टोर इन इट। कंप्यूटर इसको रीड भी कर सकता है और इसमें राइट भी करके डाटा को स्टोर कर सकता है। This is an optical storage device with a storage capacity of up to 700 MB. ये optical storage device होता है, जिसमें storage capacity up to 700 MB तक हो सकती है। It can store variety of data like picture, sound, movie, text, etc. इसमें हम different type के data को store कर सकते हैं, लाइक पिक्चर, साउंड, मूवीज, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकते हैं। वी कैन मूव द CD डिस्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजली। CD को हम इजी वे में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करके ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको हम DVD भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क। इसको सुपर डेंसिटी डिस्क के रूप में भी जानते हैं। किसको जानते हैं? DVD को रूप में। इट ऑफर हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन CD. CD की तुलना में इसमें ज़्यादा स्टोरेज किया जा सकता है। इट कैन स्टोर डाटा 4.7 GB टू 17.8 GB। इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है 4.7 GB से 17.08 GB तक के डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। दे आर नॉट रीडेबल मीडिया। इस पर हम लिख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लू रे डिस्क। ये हमारा ब्लू रे डिस्क है। दिस इज अ न्यूली इन्वेंटेड ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस।
ये न्यूली इन्वेंटेड ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इस स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी फ्रॉम 25 GB टू 200 GB। इसमें हम डाटा स्टोरेज कर सकते हैं 25 GB से 200 GB तक। इट इज़ मेनली यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड एंड मूवी डाटा। इसमें ज़्यादातर मेनली हाई क्वालिटी के साउंड या मूवी डाटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो गया फ्लैश ड्राइव। यह हमारा फ्लैश ड्राइव है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस पॉपुलर नोन एज पेन ड्राइव। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है और ज़्यादातर इसको हम पेन ड्राइव के रूप में जानते हैं। इट स्टोर डाटा परमानेंटली एंड इरेज व्हेन नीडेड। इसमें डाटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और साथ ही इसको जब भी ज़रूरत हो तो इरेज भी कर सकते हैं, अर्थात उसको मिटा भी सकते हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसको इजी वे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन वेरी फ्रॉम 2 GB टू 256 GB। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से 256 GB तक हो सकती है। मेमोरी यूनिट्स। डाटा इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 digit 0 to 1। दिस 2 digit आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। कंप्यूटर्स में डाटा मेमोरी को 2 digit रिप्रेजेंट करते हैं। 2 digit कौन सी हो जाती है? 0 and 1। दिस 2 digit आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट या बिट्स। इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इस डिजिट को हम बाइनरी डिजिट या बिट्स कहते हैं। अ बिट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। एक बिट कंप्यूटर्स मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, अर्थात कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो बिट होती है। टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर मेमोरी अ सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट आर यूज। कंप्यूटर्स मेमोरी को बिट रिप्रेजेंट करता है और 1 set of 8 बाइनरी डिजिट आर यूज। एक सेट में 8 बाइनरी डिजिट यूज किया जाता है। दिस सेट ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। एक सेट में 8 बिट्स होते हैं जिसे हम बाइट कहते हैं। सो 1 byte इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 character ऑफ डाटा, अर्थात 1 byte में 1 character ऑफ डाटा यूज होता है, अर्थात बिट 0 1। 1 byte इज इक्वल टू 8 bits। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गए? 8 bits काउंट हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टू रिप्रेजेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन मेमोरी। मेमोरी में बड़ी संख्या में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर किया जाता है। हाइयर डाटा स्टोरेज यूनिट यूज लाइक। हाइयर डाटा स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे देखिए 1 KB किलोबाइट इक्वल टू 1024 bytes हो जाते हैं। 1 MB इक्वल टू 1024 KB यानी किलोबाइट्स। 1 GB में 1024 MB अर्थात मेगाबाइट। एंड 1 TB यानी टेराबाइट 1024 GB होता है। ये हमें याद रखना है कितने किलोबाइट मेगाबाइट में कितने बाइट्स या मेगाबाइट्स जेगाबाइट्स होते हैं। कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है कोई भी दूसरी लैंग्वेज को नहीं समझता है। इट ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज डैट इज 0 or 1 कॉल्ड बिट्स। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कौन से लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है बच्चों? बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि 0 or 1 में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको बिट्स कहते हैं। अब हमारे ये चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, इसके क्विक रिव्यू हम एक बार देख लेते हैं। द स्टोरेज एरिया वेयर द डाटा इज स्टोर इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। वैसा एरिया जहाँ पे डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी। 2 types ऑफ मेमोरीज आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर्स में 2 प्रकार के मेमोरीज होते हैं, प्राइमरी मेमोरीज एंड सेकेंडरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरीज ऑफ 2 types रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं।
एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखा जा सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए हार्ड डिस्क इज मच लार्जर देन ए कॉम्पैक्ट डिस्क। हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कॉम्पैक्ट डिस्क के कंपेयर में। सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क आर पोर्टेबल डिवाइस। सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे पोर्टेबल डिवाइस होती है। पोर्टेबल डिवाइस मीन्स उसको एक जगह से दूसरी जगह इजी वे में ले जाया जा सके, उसको हम पोर्टेबल डिवाइस कहते हैं। फ्लैश ड्राइव इज नोन एज पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। बिट 01 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ए बिट 01 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट, जो 0 और 1 होती है। अब बच्चों इसके हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में है टिक द करेक्ट आंसर। 1, इट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इंटू कैटेगरी। अभी हमने पढ़ा था बच्चों मेमोरी को कितने भाग में डिवाइड करते हैं? दो भाग में, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नंबर 3, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कंप्यूटर्स की क्या होती है? बिट, BIT, बिट, ये स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है। एंड 1 MB इज इक्वल टू 1024 क्या होता है? किलो बाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स इन बॉक्स। नंबर 1, रैम इज ए टेम्प्रोरी मेमोरी। ट्रू, रैम क्या है? टेम्प्रोरी मेमोरी होती है। सेकेंड, हार्ड डिस्क इज ए प्राइमरी मेमोरी। फॉल्स, हार्ड डिस्क क्या है? फॉल्स है, हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ब्लू रे डिस्क इज यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड एंड मूवी डाटा। ट्रू, 1 byte इज इक्वल टू 10 bits, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज एरिया इज नोन एज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जहाँ पे कंप्यूटर्स में स्टोरेज किया जाता है उस एरिया को हम मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? परमानेंट पाया जाता है। CD राइट इज फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स। CD को हम राइट करने के लिए कहाँ रख करते हैं? तो CPU बॉक्स के अंदर डालते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों फुल फॉर्म, राइट इन द फुल फॉर्म। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM, रेट ओनली मेमोरी। CD means कॉम्पैक्ट डिस्क। MB, मेगा बाइट। KB, किलो बाइट। GB, जीगा बाइट। एंड TB, टेरा बाइट।